भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर माइनक्राफ्ट की अमेजिंग ट्रिक में। जी हाँ, आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट के पॉकेट एडिशन एंड जावा एडिशन की सबसे बेस्ट सीड। जी हाँ, सबसे पॉकेट एडिशन एंड जावा एडिशन की सबसे कमाल की एंड सबसे ज़्यादा धमाकेदार सीड आज मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग भी माइनक्राफ्ट खेलते हैं तो हमारी ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। तो सबसे पहले आज मैं आपको एक ऐसी सीड बताऊंगा जो मैंने काफ़ी रिसर्च की, यानी कि काफ़ी मैंने गूगल पर और यूट्यूब पर सर्च करने के बाद मुझे एक ऐसी सीड मिली है और दावा किया जाता है कि इस सीड के अंदर आज तक का सबसे ज़्यादा डेंजरस एंटिटी मिला था। जी हाँ, मतलब कि इस सीड के अंदर आपको कमाल का एंटिटी मिलेगा। इस एंटिटी से आप बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकते हो। यहाँ तक कि इस वर्ल्ड का जो है आपको डार्क, सबसे ज़्यादा डार्क और रेड जो है वाटर पूल भी आपको मिलेगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। तो मैं आपको इसी वर्ल्ड के अंदर ले जाऊँगा और आज मैं माइनक्राफ्ट को, इस वर्ल्ड को हमारे लेटेस्ट अपडेट में ट्राई करने वाला हूँ और पता करूँगा क्या सच में ही वर्ल्ड काम करता है या नहीं। तो दोस्तों, चलिए आज के इस वर्ल्ड को हम ज्वाइन करते हैं। उससे पहले, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको एक न्यू वर्ल्ड जनरेट करना है। जी हाँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नया वर्ल्ड बनाते हैं लेकिन वो सर्वाइवल मोड सेलेक्ट ही नहीं करते वो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वर्ल्ड को ज्वाइन करते हो तो आपको केवल सर्वाइवल मोड में ही आप इसे खेल सकते हो, तभी ये जो ट्रिक है ये वर्क करेगी। तो दोस्तों, चलिए आज हम सबसे पहले एक न्यू वर्ल्ड जनरेट करते हैं और उसके बाद मैं आपको इस वर्ल्ड को 10,000 ब्लॉक एक्सप्लोर करूँगा और पता करूँगा क्या सच में कोई एंटिटी एग्जिट करता है या नहीं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जैसे ही आप अपना वर्ल्ड स्पॉन करोगे तो सबसे पहले आपको अपने वर्ल्ड का नाम देना है, उसके बाद सर्वाइवल मोड आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको अपनी वर्ल्ड सीड डालनी है जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो आपको वर्ल्ड सीड डालनी है 8263425837156, आपको ये वर्ल्ड सीड डालनी है। उसके बाद आपको अपना वर्ल्ड जनरेट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं कुछ देर वेट करता हूँ ताकि मेरा वर्ल्ड जनरेट कंप्लीट हो जाए। तो जैसे ही आप वर्ल्ड के अंदर स्पॉन हो जाओगे तो आपका स्पॉन पॉइंट एक बायोम होगा इस तरह का। तो अगर आप पॉकेट एडिशन में खेल रहे हो तो आपका बायोम ये वाला होगा और अगर आप जावा एडिशन में ट्राई करोगे तो आपको जो है डेजर्ट बायोम में स्पॉन होना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ से वुड कलेक्ट कर लेना है और अपने लिए वुड के टूल कंप्लीट करने हैं और अगर आसपास कहीं पे स्टोन हो तो स्टोन के टूल बना लीजिए। तो सबसे पहले मैं अपने लिए वुड के टूल कंप्लीट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपने लिए जो वुड के टूल है वो बना लिए हैं और रास्ते में अगर मुझे कहीं पर स्टोन दिखा तो मैं स्टोन के टूल बना लूँगा और साथ ही मैं अपने लिए फूड भी कलेक्ट करता जाऊँगा ताकि मेरे पास कभी फूड की कमी ना हो। तो दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ प्लस की तरफ जाऊँ, इस तरफ जाने वाला हूँ मैं या फिर इस तरफ जाना चाहिए मुझे। तो मैं इस तरफ जाऊँगा, 10,000 ब्लॉक की जर्नी कंप्लीट करूँगा और अगर मुझे कहीं पे विलेज या फिर कोई एंटिटी दिखाई दिया तो मैं आगे आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, चलिए आज की जर्नी कंप्लीट करने के बाद आपसे मिलते हूँ। तो दोस्तों, मैं ऑलमोस्ट जो है 3,000 ब्लॉक आगे आ चुका हूँ और मैंने काफ़ी फूड भी कलेक्ट कर लिया और मैं एक जंगल बायोम में शायद आ चुका हूँ। अभी तक मुझे कोई भी विलेज या फिर कोई भी एंटिटी नहीं मिला है। तो मैं अपनी आगे की जर्नी कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों, मैं 6,000 ब्लॉक आगे आ चुका हूँ लेकिन मुझे अभी तक इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी एंटिटी या फिर कोई भी विलेज नहीं मिला है। तो मैं अपनी आगे की जर्नी कंप्लीट करता हूँ। ऑलमोस्ट मुझे जो है 4,000 ब्लॉक की जर्नी और कंप्लीट करनी है, उसके बाद मेरी ये जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों, चलिए आगे की जर्नी कंप्लीट करके आपसे मिलता हूँ।
तो दोस्तों मैं ऑलमोस्ट 10,000 ब्लॉक की ये जर्नी कंप्लीट कर चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी तक इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी एंटिटी या फिर कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिला है। तो हो सकता है कि हमारे माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट अपडेट में अभी ये सीड वर्क नहीं कर रही है। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हो तो माइनक्राफ्ट के ओल्ड वर्जन में ट्राई कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।